40 चोर आजाद होने वाले हैं। चालीस चोरों को तो मरे हुए 20 साल से ऊपर हो गए, वो वापस कैसे आ सकते हैं? चांद के टूटने से 40 चोरों का क्या वास्ता? क्या हो क्या रहा है? और इतनी भीड़ क्यों जमा है यहां? अरे एक मामूली सा जलजला था, अल्लाह का शुक्र है टल गया। चलिए चलिए, आप सब अपने अपने घर के लिए रवाना हो जाइए, जाइए। मोहतरम, इधर देखिए। जादूगर मुस्तफा की माँ, 40 चोरों की गुफा से इकलौती जिंदा लौटने के बाद जो सालों से घर से बाहर नहीं निकली, आज अचानक कैसे? अब उधर देखिए। ये टूटा हुआ चांद, ये खौफनाक हवाएं दस्तक हैं सिमसिम के 40 चोरों की। आ रहे हैं वो अपना तोहफा शहजादी को लेने और बदले में मुझे काबुल शाही का ताज देने। अलविदा मरियम। मामूजान, मामूजान! नजर रखना इस पर, बहुत कीमती तोहफा है। मामूजान! अगर 40 चोर वापस आ गए तो कौन बचाएगा हमें उनसे? कैसे बचाएंगे हम अपने खानदान को इन शैतानों से? एक लफ्ज नहीं कहेगा कोई। ये वक्त आपस में लड़ने, खौफजदा होने और अफवाह फैलाने का नहीं है। वो 40 चोर मारे जा चुके हैं और मरे हुए जिंदा नहीं हुआ करते। जब चांद तो टुकड़ों में हो सकता है तो 40 चोर भी वापस जिंदा आ सकते हैं। पहली बार अकल की बात की है इस कमजर्फ ने। और 40 चोर आ गए तो हमें तो हिफाजत चाहिए। वक्त आ गया है जनाब दारा गजी को आवाम में बढ़ते इस खौफ की इत्तला देनी होगी। रहबर, ये जंग हम किससे लड़ने वाले हैं? उनसे जो चांद को दो टुकड़ों में तोड़ने का दम रखते हैं। ये जंग इंसानों के साथ नहीं है जहांगीर, शैतानों के साथ है। जो शैतान अपने पूरे लश्कर के साथ तबाही फैलाने निकल चुका है। आसमान में चांद सलामत है, पत्थर की कब्र में रहेंगे।
सारे गुनाहगार। इस खूबसूरत चांद को दो टुकड़ों में देखकर दिल खुश हो गया। बस कुछ ही कदम दूर है अब हमारे 40 चोर मंजिल से, और मेरी नूरे निगाह आपके तालिस्मान से। 40 चोर वापस कैसे आ सकते हैं? 40 चोर भाई आ गया सिम सिम जी। शहजादी भाग रही है, पकड़ो उन्हें। मरियम, क्यों कर रही हैं आप ये? मरियम, अपने मामू जान को छोड़कर तुम कहां जा रही थी? मरियम का है? मैं पूछ रहा हूं मरियम का है? दादी, मेरे पुणे 40 चोरों को मारा था, तो वो वापस कैसे आ सकते हैं दादी? और अगर आ भी गए तो? एक बार मारे जा चुके हैं, दोबारा भी मारे जा सकते हैं? वो मारे जरूर गए थे, लेकिन अब वो मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। दादी अगर सही है तो वो 40 चोर काबुल पे किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। मेरे बच्चे, मेरा घर, भाईजान, भाभी, सबको महफूज रखना होगा, पर कैसे? कोई शक मत रखना इस बात का कि हम सब महफूज हैं। 40 चोर आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं, और हम पर आफत बन के आ रहे हैं, बन के आ रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। हमने सुना है 40 चोर शैतान है, उनसे कैसे बचेंगे हम? घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ में है ना, और जब तक हम सब साथ हैं डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो बच्चों, चलो घर चलते हैं। दादी, भाईजान, घर चलिए।
चंद लम्हा और रुक जाता जलजला आने से, तो आज निजात मिल जाती इस मनहूस शक्ल से। मुझे तो लगता है कि नूरा बेबी कुछ भी बोल रही है। जब 40 चोरों को जादूगर मुस्तफा ने मार दिया था, तो फिर वो 40 चोर वापस जिंदा कैसे आ सकते हैं? होने को तो ये भी हो सकता है चाचा जान कि जादूगर मुस्तफा ने 40 चोरों को मारा है ना, बस अफवाह फैला दियो। झूठ बोलने का हुनर इनके खानदान में सबके पास है। जादूगर मुस्तफा ने 40 चोरों को मारने का झूठ बोला और बेटा 40 चोरों का सरगना बनकर फरे फैला रहा है। अगर हमें अपने परवास को बचाना है तो इस खानदान से हमें निजात पानी होगी। हाँ, झूठा है अली और उसका खानदान। सही कहा जोरावर भाई ने। इस चांद की बदौलत आज तो मरने से बच गया अली बाबा, लेकिन मेरे इस दाव के बाद कुछ ही देर में तू और तेरा पूरा खानदान सड़क में होगा। आप यहां महफूज हैं, फिक्र मत कीजिए। इस परवाज में जो हो जाए कम है। बताओ, चांद दो टुकड़ों में टूट गया, अब ईद में कौन सा चांद देखेंगे, दाएं वाला या बाएं वाला? अजीज, मैं तो कहती हूँ कि सामान बांधकर कहीं और चलते हैं। ये सिर्फ परवाज का चांद नहीं, पूरी दुनिया का इकलौता चांद है जो अब इकलौता रहा नहीं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, सभी के लिए टूटा। कहां जाओगे? चांद चाहे सभी के लिए टूटा हो अजीज, पर वो 40 चोर तो हम लोगों की जान पर आफत बनने आने वाले हैं ना। जरा सोचिए अजीज, ये जो खजाना आपने अलमारी में छुपा कर रखा है, आपकी दर्जनों इत्र की शीशियां, आपका तुर्क से लाया हुआ हमाम साबुन, अगर 40 चोर आ गए तो कल को वो महक रहे होंगे आपके इत्र और साबुन से। गुली गुलरेस, आपको एक राज की बात बताऊं। मेरे अब्बू एक बहुत बड़े जादूगर थे और ये घर उन्हीं का है, और उन्होंने इस घर के अंदर एक जादू फैलाया हुआ है। बताया क्या? इस घर के अंदर कभी भी कोई बुरा शैतान, बुरा साया दाखिल नहीं हो सकता, और कभी दाखिल हुआ तो ऐसे ऐसे गायब हो जाएगा। एकदम मुझे पता था, तो साथ हो हम सब महफूज हैं। अली बाबा के खानदान के झूठ और फरेब से सारा परिवार परेशान है। अगर हमें जरा भी इल्म होता कि अली बाबा के वालिद मुस्तफा ने 40 चोरों को नहीं मारा है, तो हम इस आफत के लिए तैयार होते। और अली बाबा ने जो इतना बड़ा फरेब किया है वो माफी के लायक नहीं है। 40 चोर जिन्होंने लाखों लोगों का कत्ल किया है, उनका हुलिया पहनकर फरेब करना गलती नहीं, गुनाह है, गुनाह। और इस गुनाह की सजा मिलनी चाहिए इस फरेबी खानदान को। हमारी शाही सड़क में दाखिल होने का शौक था ना तुझे, अब मामूली गली का भी नहीं रहेगा। तू अली बाबा, तेरे अपनी गली वाले ही धक्के देकर निकालेंगे तुझे और तेरे खानदान को परवाज से बाहर। बाहर जब तक खतरा टल नहीं जाता, तुम में से कोई भी घर से नहीं निकलेगा। ये बताओ कि मरियम कहाँ है और अपनी जान बचा लो। हम अपनी जान दे सकते पर शहजादी को धोखा कभी नहीं दे सकते। गद्दार नहीं है तेरी तरह। कदार नहीं है मेरी तरह, मानो। ये बानो है तो मरियम कहाँ है?
हमारी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ ढूंढो मरियम को। तुम सिमसिम की अमानत हो मरियम, तुम भाग नहीं सकती। तुम ही हो जो मुझे काबुल का तख्त दिलाओगी। तुम्हें मैं भागने कैसे दे सकता हूँ? कहाँ हो तुम मरियम? दाईजा अबू कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? हम अबू जान से मिले बिना कहीं नहीं जाएंगे। शहजादी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। पीछे जाने में खतरा है। आपके अबू जान और हमारे सुल्तान का हुक्म ये था कि आपको खैरियत के साथ काबुल शाही महल से बाहर ले जाया जाए, और हम वही कर रहे हैं। तो आप हमारा हुक्म भी सुन लीजिए दाईजा। अगर पीछे जाने में खतरा है तो उस खतरे में हम अपने अबू जान को अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। आपको जाना है तो जाइए। शहजादी मेरी बात सुनिए। या अल्लाह, ड्राइवर, ड्राइवर क्या है ये? लश्कर है जरार! काबुल फतह! काबुल फतह! काबुल फतह! काबुल फतह! काबुल फतह! अबू जान, अबू जान, अबू जान! ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो। आपकी जिम्मेदारी हमसे कई ज्यादा बड़ी है। केवल काबुल शाही नहीं, पूरे काबुल की जिम्मेदारी अब आप पर है। आपको कुछ नहीं होने देंगे। नहीं, नहीं। कुछ भी करना मगर अपने आप को महफूस रखिएगा। मेरे लिए नहीं, अपने लिए भी नहीं, काबुल के पूरे आवाम के लिए। आपको खामोश करने के जुर्म में जलेगा पूरा काबुल। अब राख कर दूंगी काबुल को, नामो निशान मिट जाएगा इंसान का। अब इस कायनात में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, इब्लीस। तैयार है अली बाबा, पूरा परवाज आफत बनकर तेरे दरवाजे पर टूटने वाला है।
जहां भी छुप जाओ मरियम मेरी भांजी, अपने मामा से तुम्हें कोई महफूज नहीं रख सकता। हर आने वाली आफत से मुझे मेरे बच्चों को महफूज रखना है। इंसान को इल्म भी नहीं है कि क्या कहर बरसाएंगे मेरे 40 चोर उन पर। सारी इंसानियत पे आफत बरसने वाली है।